नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सोशल मीडिया के दौर में सूचनाएं लगातार आती रहती हैं और ऐसे में ये जानना बेहद कठिन हो जाता है कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी तस्वीर सच्ची है, किसमें अफवाह मिक्स करके सामने परोसी गई है। तो फैक्ट चेक जरूरी है और ये काम करते हैं हम आपके लिए ताकि आप जान सकें पूरा सच। और फैक्ट चेक में बात करेंगे उस वीडियो की जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फायरिंग का ये वीडियो है और इस वीडियो में लोगों को बदहवास इधर से उधर दौड़ते हुए देखा जा रहा है। अब ये फायरिंग किसने की, इस फायरिंग की सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल हमने की, अब सच आपको बताने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फायरिंग की आवाज आ रही है और कुछ लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा जा रहा है। यूजर इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि फायरिंग का यह मामला उस वक्त पेश आया जब एक गधा मस्जिद के अंदर चला गया, जिसे देखकर वहां के मौलवी ने उसे गोली मार दी और ये बात इतनी बड़ी कि इस मामले में 51 लोगों की जान चली गई और कई जख्मी हो गए। वीडियो जब तेजी से सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा तब गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम इसके पीछे छुपे असली कहानी का पता लगाने के मिशन में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले वायरल वीडियो को गौर से देखा गया। वीडियो में हमें 1 मिनट 40 सेकंड के फ्रेम में कॉन्सेप्ट्स कॉलेजिएट्स का बिलबोर्ड नजर आया। गूगल पर कॉन्सेप्ट्स कॉलेजिएट्स को सर्च करने पर पता चला कि ये कराची की नेवल कॉलोनी में एक कोचिंग है। इस मिले क्लू के आधार पर फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और कीवर्ड के साथ सर्च किया। इसके जरिए एक फेसबुक पेज पर पहुंचे जहां वायरल हो रहे वीडियो के जैसा ही एक और वीडियो मिला। वीडियो में दिए गए कैप्शन के मुताबिक कराची बल्दिया टाउन की नेवल कॉलोनी में दो गुटों में झगड़ा, इलाका फायरिंग से गूंज उठा, झगड़ा खरीद और फरोख्त पर पैसे के लेन देन पर शुरू हुआ, फायरिंग से दो लोग जख्मी, सिविल अस्पताल में भर्ती। सर्च के दौरान वायरल वीडियो कई यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हुआ मिला। यहां दिए गए कैप्शन के मुताबिक कराची के नेवल कॉलोनी में दो गुटों के बीच फायरिंग। पाकिस्तान की एक अखबार की वेबसाइट पर 10 सितंबर 2022 को इसी मामले से जुड़ी प्रकाशित खबर के मुताबिक कराची के बल्दिया टाउन नेवल कॉलोनी में दो गुटों के बीच हुई झड़प में दो लोग गोली लगने से घायल हो गए जबकि इलाका जंग का मैदान बन गया। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा कि यह मामला दो पक्षों में बस की खरीद फरोख्त के पैसे को लेकर हुई झड़प का था। इस तरह हमारी पड़ताल से यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो तकरीबन 8 महीने पुराना है। जब कराची की नेवल कॉलोनी में दो गुटों के बीच पैसे की लेन देन को लेकर फायरिंग हुई थी, इस मामले के साथ जो कहानी वायरल की जा रही है वो गलत है। इस फायरिंग में कई लोग जख्मी हुए थे, हालांकि 51 लोगों के मारे जाने का दावा फर्जी है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर एक नया दावा तैर रहा है। दावा यह कि सरकार जल्द ही 1000 रुपए के नई सीरीज के नोटों को जारी करने जा रही है। इस दावे के साथ 1000 रुपए के हरे रंग के एक नोट की तस्वीर को भी साझा किया जा रहा है। क्या सच है क्या झूठ है, पड़ताल करती है रिपोर्ट, देखिए। नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नए नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के वापस लिए जाने के फैसले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही 1000 रुपए के नई सीरीज के नोटों को जारी करने जा रही है। इस दावे के साथ 1000 रुपए के हरे रंग के नए नोट की तस्वीर को साझा किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने 1000 रुपए के नोटों के वापस आने का दावा करते हुए इसकी तस्वीर को भी साझा किया है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर इसी दावे के साथ तस्वीर को लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल दावा हैरान करने वाला था।
2000 रुपए के नोट को वापस लेने के ऐलान के बाद 1000 के नोट को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई थी। ऐसे में वायरल हो रहे तस्वीर की सच्चाई क्या है, इसके लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम अपनी तहकीकात में जुटी। सबसे पहले ये बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लिए जाने की घोषणा की थी। इन नोटों को नोटबंदी के बाद जारी किया गया था। आरबीआई की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया गया है। हालांकि ये नोट वैध बने रहेंगे। आरबीआई के इस फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर 1000 रुपए के नोटों को फिर से जारी किए जाने का दावा किया गया। नए नोटों को जारी किए जाने या फिर पुराने नोटों को वापस लिए जाने की जानकारी आधिकारिक रूप से आरबीआई सूचनाओं के माध्यम से देता है। आरबीआई की वेबसाइट या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिसमें 1000 रुपए के नए नोटों को जारी किए जाने की जानकारी हो। हालांकि न्यूज सर्च के दौरान ऐसी कई रिपोर्ट्स मिली जिसमें इस दावे का खंडन किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 1000 रुपए के नोटों को जारी किए जाने की बात को विशुद्ध रूप से अफवाह बताया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब 1000 रुपए के नए नोटों को जारी किए जाने की अफवाह वायरल हुई हो। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के फैसले के कारण 500 और 1000 रुपए के महात्मा गांधी सीरीज के नोटों को वापस ले लिया गया था और इसकी जगह पर 500 रुपए और 2000 रुपए के नए सीरीज के नोटों को जारी किया गया था, जिसमें से 2000 रुपए के नोटों को अब आरबीआई ने वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई की वेबसाइट पर नोटबंदी के बाद की पुरानी सीरीज के नोट्स और नई सीरीज के नोट्स को देखा जा सकता है। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए की नई सीरीज के नोटों को जारी किया था, जिसमें से 2000 रुपए के नोटों को वापस लिया जा रहा है। आरबीआई की वेबसाइट पर हमें 1000 रुपए के नए नोटों के बारे में ना तो कोई जानकारी मिली और ना ही कोई तस्वीर मिली, जिसे वायरल किया जा रहा है। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि 2016 में नोटबंदी के बाद जारी नई सीरीज के 500 और 2000 रुपए के नोटों में से 2000 रुपए के नोटों को आरबीआई ने चलन से वापस किए जाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले के बाद 1000 रुपए के नए नोटों को जारी किए जाने का दावा गलत और मनगढ़ंत है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 1000 रुपए के नए नोटों को जारी किए जाने की संभावनाओं को मनगढ़ंत और काल्पनिक बताया है और इस दावे के साथ वायरल हो रही तस्वीर फेक है, जिसे एडिटिंग की मदद से तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बिजली विभाग के कर्मचारी को ताबड़तोड़ थप्पड़ मार रहा है। वीडियो को शेयर कर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जब बिजली कर्मचारी मीटर रीडिंग लेने एक शख्स के घर गया तो उसने सरकार की फ्री बिजली गारंटी की बात कहकर बिल देने से मना कर दिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। रामय्या कानून स्थापित वादा भारत संविधान विषय निजवाद श्रद्धे अंतकरण पूर्वक निर्वहिसुत्तेने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार रहा है। वीडियो को शेयर कर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जब बिजली कर्मचारी मीटर रीडिंग लेने एक शख्स के घर पे गया तो उसने सरकार की फ्री बिजली गारंटी की बात कहकर बिल देने को मना कर दिया। कर्नाटक कांग्रेस की सरकार बनते ही बिजली आपूर्ति अधिकारियों के साथ लोगों के बहस करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। कई लोगों को ये कहते हुए बिल देने से इनकार करते देखा गया कि कर्नाटक सरकार ने उन्हें मुफ्त बिजली देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस ने हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, लेकिन क्या वायरल वीडियो भी इसी से जुड़ा है, ये जानना जरूरी हो गया था। वायरल दावे की पड़ताल के लिए सबसे पहले इस बारे में कीवर्ड से सर्च किया गया। एक आधिकारिक वेबसाइट पर 24 मई को इस बारे में खबर छपी है। इसमें बिजली कंपनी के कर्मचारी को पीटने वाले आरोपी की फोटो को भी देखा जा सकता है। खबर के मुताबिक कर्नाटक के कोप्पल में एक व्यक्ति ने गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के एक कर्मचारी पर उस समय हमला कर दिया जब उसने आरोपी से बिजली की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी की पहचान कोप्पल के कुक्कनपल्ली के चंद्रशेखर हिरेमत के रूप में हुई है। उसने गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी मंजूनाथ पे हमला किया था। आरोपी ने बिल देने से मना कर दिया। मंजूनाथ के सहयोगी ने इस घटना को कैमरा में रिकॉर्ड किया और हिरेमत के खिलाफ मुनीराबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। आरोपी ने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे मंजूनाथ के सहयोगी पे हमला करने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बिजली कंपनी का कर्मचारी हिरेमत का बिजली कनेक्शन काटने गया था, क्योंकि उसने पिछले 6 महीनों से 9,000 रुपए से अधिक का बकाया नहीं चुकाया था। वीडियो में आरोपी कह रहा है उसने गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड कर्मियों से बिजली मीटर में रजिस्ट्रेशन को बदलने के लिए कहा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भुगतान नहीं करेगा, जो चाहे करो। सर्च के दौरान कई और वेबसाइट्स पे इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। एक और आधिकारिक वेबसाइट पे इस खबर में यही बताया गया कि जेस्कॉम कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोप्पल जिले में हुई घटना में आरोपी अपने बिजली बिल का भुगतान करने से मना कर रहा था। मतलब साफ था, वायरल वीडियो के जरिए कुछ और कहानी को बयां करने की बेकार कोशिश की जा रही है। वैसे बता दें, 20 मई को शपथ लेने वाले कर्नाटक मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस द्वारा किए गए चुनावी वादों को मंजूरी देने की घोषणा की। सिद्धारमैया ने कहा कि घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया गया था और पहली कैबिनेट बैठक के बाद उनको लागू करने का आदेश दिया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 136 सीटों पे भारी बहुमत से जीत हासिल की। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता को 5 गारंटी दी थी, जिसमें राज्य के सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली शामिल थी। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हुआ कि कर्नाटक के कोप्पल में जब बिजली कंपनी के कर्मचारी ने बिजली बिल के बकाए पर उपभोक्ता का कनेक्शन काटने की कोशिश की तो उसने कर्मचारी पे हमला कर दिया। उस घटना के वीडियो को भ्रामक दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में आने लगी हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो पूरा सच सामने आ गया। कर्नाटक में अब कांग्रेस की सत्ता है। कांग्रेस का राज आते ही सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो के जरिए कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो इस दावे के साथ वायरल हो रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में जाने लगी हैं। वीडियो में हिजाब और बुर्का पहनी कई लड़कियों को भीड़ के बीच एक गेट से अंदर आते देखा जा सकता है। भीड़ में एक महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस आई, हिजाब ले आई। कर्नाटक के कॉलेजेस में हिजाब अलाउड हो गया, लेकिन बाकी वादों का क्या? वायरल वीडियो का सच क्या है, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। वीडियो का सच जानने के लिए हमने वीडियो के की फ्रेम्स को गूगल इमेज पर रिवर्स सर्च किया। साथ ही यूट्यूब पर भी कुछ कीवर्ड्स की मदद से वायरल हो रहे इस वीडियो को खोजा। पड़ताल के दौरान एक यूट्यूब अकाउंट मिला। वायरल हो रहा वीडियो इस यूट्यूब अकाउंट पर 12 फरवरी 2022 को अपलोड किया गया था। इस तरह यह स्पष्ट हो चुका था कि वायरल वीडियो अभी का नहीं बल्कि साल 2022 का था। यही वो समय था जब कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद अपने चरम पर था। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि वीडियो के साथ किया जा रहा ये दावा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आते ही मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में आने लगी हैं, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। हॉलीवुड एक्टर और द रॉक के नाम से मशहूर पूर्व पेशेवर रेसलर ड्वेन जॉनसन की तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर वायरल है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। वायरल तस्वीरों में उन्हें गले में माला डाले और भगवा वस्त्र पहने हुए हिंदू रीति रिवाजों को पूरा करते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन जब इन तस्वीरों को फैक्ट चेक किया गया तो क्या नतीजा सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। Son sacrificed his life to save me. ड्वेन जॉनसन हॉलीवुड के एक बड़े एक्टर हैं। उनकी लोकप्रियता केवल हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। साल 2011 में इन्होंने फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी के जरिए विश्व भर में लोकप्रियता हासिल की। ये फिल्म साल 2011 की
सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। हॉलीवुड में कदम रखने से पहले ड्वेन जॉनसन WWE रेसलर थे। द रॉक के नाम से उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में अपना जमकर लोहा मनवाया। इसके बाद टीवी से होते हुए हॉलीवुड में अपने दमदार एक्शन और एक्टिंग से छा गए। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक दावा तैर रहा है। दावा ये कि लाखों फैंस के दिल में घर बनाने वाले इस एक्टर ने सनातन धर्म से अपना नाता जोड़ लिया है। यूजर्स हॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन की दो तस्वीरों का एक कोलाज शेयर करके ये कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। वायरल पोस्ट में ड्वेन जॉनसन हाथ में आरती की थाली लिए नजर आ रहे हैं। वायरल दावा हैरान करने वाला था, क्योंकि ड्वेन जॉनसन ने हिंदू धर्म अपनाया होता तो ये खबर देश और विदेश के मीडिया आउटलेट्स की हेडलाइंस बनती। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली थी, लिहाजा ऐसे में गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की पड़ताल करने की ठानी। पड़ताल के लिए तीन बातों को ध्यान में रखा गया। पहला, क्या वाकई हॉलीवुड एक्टर ड्वेन जॉनसन ने हिंदू धर्म अपना लिया है? दूसरा, अगर दावा सच है तो ये कब और कहां हुआ? और तीसरा, या इस तस्वीर के जरिए महज अफवाह फैलाया जा रहा है? इन बातों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ड्वेन जॉनसन का हिंदू धर्म अपनाने के दावे की पुष्टि होती हो। जॉनसन के आधिकारिक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी खंगाला गया, लेकिन यहां भी ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली। इसके बाद वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च किया गया। इसके जरिए एक फेसबुक पेज पर पहुंचे, जहां 27 मई को अपलोड किया गया एक पोस्ट मिला जिसमें वायरल तस्वीरें मौजूद थी। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ड्वेन जॉनसन की AI जनरेटेड तस्वीरें। इसकी मदद से तस्वीर को ट्विटर पर सर्च किया गया, जिसके जरिए एक ट्विटर हैंडल से 28 मई को किया गया एक ट्वीट मिला। इसमें भी वायरल तस्वीरें मौजूद हैं और उन्हें AI जनरेटेड बताया गया है। इसके कमेंट सेक्शन में एक फेसबुक पोस्ट का लिंक प्राप्त हुआ। इस फेसबुक लिंक को क्लिक करने पर 22 अप्रैल को किया गया एक फेसबुक पोस्ट मिला। इसमें वायरल तस्वीरें मौजूद हैं। पोस्ट के कैप्शन में इसे ड्वेन जॉनसन की AI जनरेटेड तस्वीरें बताया गया है। फैक्ट चेक टीम ने इस फेसबुक आईडी को और खंगाला, जिसके जरिए 28 मई को एक पोस्ट मिला जिसमें ये जानकारी दी गई है कि उनका आर्ट वर्क किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें ड्वेन जॉनसन की भी तस्वीरें मौजूद हैं। इस प्रकार हमारी पड़ताल से ये बात साफ हो जाती है कि हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन की AI टूल की मदद से तैयार की गई तस्वीरों को भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।